मॉर्निंग टू ऑल बेटे, कल का कंप्लीट करने के बाद जो हम कर रहे थे उसके बाद हम एमसीक्यूज इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। सो हमने कहाँ तक किया था कि बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री के बारे में हमने कर लिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकेंडरी दो तरह की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इज फर्दर ऑफ फोर टाइप्स। एनालिटिकल डिस्कस कर ली थी हमने, सेकेंड वॉज सिंथेटिक, वो भी डिस्कस कर ली थी। थर्ड है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल पासिस थ्रू वेरियस स्टेजेस टू टेक द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन की पहले गिनिंग होती है, स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, डाइंग होती है, then it takes the form of a cloth, right? It undergoes the various processes to take the form of a finished good. तो इसको कहते हैं processing industry, जिसमें raw material goes through various stages to get a finished product. Clear? Sugar industry हो गई, कितनी सारी industries जो हैं processing होती हैं, क्योंकि हमें raw material has to go through stages, जहां पे वेरियस स्टेजेस होती है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। प्रोसेस करना पड़ता है आपको रॉ मटेरियल को। अब लेदर बैग्स या बैग्स यू आर कैरिंग, लेदर बैग्स पहले क्या, लेदर निकाला जाता है डेड एनिमल्स के, बफेलो की स्किन होती है उसकी, फिर वो टैनरी में टैनिंग की जाती, क्लीन किया जाता है, फिर उसकी जो स्किन होती है एनिमल्स की उसको रिंकल फ्री किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, फिर उसकी दोबारा से और प्रोसेसिंग होती है, उसकी स्मेल निकाली जाती है, उसकी कलरिंग की जाती है ना, तो उसके बाद फिर उसको बैग या कोई भी जैकेट्स वगैरह की फॉर्म में बनाया जाता है, तो वो भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग में क्या होता है, डिफरेंट सब कंपोनेंट्स जो होते हैं प्रोडक्ट के उनको प्रोक्योर किया जाता है और अपनी इंडस्ट्री में उनको असेंबल किया जाता है, ठीक है। जो एक फिनिश प्रोडक्ट है दैट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट सब कंपोनेंट्स एंड दैट सब कंपोनेंट्स आर आइदर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इटसेल्फ और दीज आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम अदर फर्म्स। फॉर एग्जांपल टीवी, टीवी में जितने भी चीजें लगी होती है वो असेंबल की जाती है, ठीक है। आप कभी यूट्यूब पे वीडियो देखो, टीवी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये सब असेंबलिंग इंडस्ट्रीज हैं। क्यों, अब कार देखो, कार कंप्राइजेस ऑफ, कार क्या है, एक ढांचा है, ढांचे में बैटरी है, टायर्स लगे हुए हैं, हैंडल्स लगे हुए हैं, स्टीयरिंग लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, एलईडी लगी हुई, ये सारी चीजों को असेंबल किया जाता है एक जगह पर, तो ऐसी इंडस्ट्री को कहा जाता है असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। टीवी हो गया, दिस मोटरबाइक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ऑल दीज आर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरी सेकेंडरी इंडस्ट्री में सेकेंड कैटेगरी आती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हम क्या कहते हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, तो कंस्ट्रक्शन में भी ऐसे ही होता है, हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं, ब्रिक्स लेके आते हैं, आयरन, सीमेंट, स्टील, सैंड, ये सारी चीजें लेके आते हैं और उसकी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है, दोनों में रॉ मटेरियल फिनिश्ड में कन्वर्ट हो रहा है, डिफरेंट शेप लेके फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में बेटे डिफरेंस क्या है, आगे यूज, तो कंस्ट्रक्शन में भी तो हो ही सकती यूज, आप यूज नहीं कर रहे बिल्डिंग को, मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा चलो बेसिक क्या है बेटे, दोनों में है तो फॉर्म चेंज हो रही, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रही है दोनों इंडस्ट्रीज, फर्क क्या है, उसका प्रोडक्ट जो है वो मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का प्रोडक्ट रिमेन्स एट द सेम प्लेस, जहां पे प्रोड्यूस हुई है वहीं पे कंज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। So, ये हो गया हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में। थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज टर्शरी। टर्शरी को हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। सो
नाम से ही क्लियर हो रहा है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज दैट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज, दो सर्विसेज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प इन यू नो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है, सर्विस या टर्शियरी इंडस्ट्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस करती है. ये सर्विसेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री. यानी इनका जो प्रोडक्ट होता है वो टेंजिबल नहीं है, इट कैनॉट बी टच्ड, इट कैनॉट बी सीन, फिजिकल नहीं है, इनटेंजिबल है. उसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं. हम उसको ऐसे नहीं है, गुड्स जो है वो पैसे दिए और हम बैग में सामान लेके घर ले आते हैं, दिखा सकते हैं जो गुड्स होते हैं. ठीक है, लेकिन सर्विसेज कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड, दे कैन बी फेल्ट, बट दीज आर इनटेंजिबल, दे कैनॉट बी ब्रॉट होम टू द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट टू द होम. राइट, ठीक है बच्चे. सो योगी टर्शरी इंडस्ट्री. So we were talking about the classification of business activities. अब पता चल गया business activities can be classified into industry and commerce. Industry हमने discuss कर ली. Second part discuss करें, commerce. What is commerce? Simple definition अगर आपको वाइवा में पूछी जाए, कुछ नहीं याद, sum total of trade and auxiliaries to trade. ठीक है, बेसिकली कॉमर्स क्या होता है बेटे, गुड्स जब प्रोड्यूस होते हैं और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने में बहुत ज्यादा हिंड्रेंसेस आती हैं. देयर इज अ हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, देयर इज अ हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ठीक है, देयर इज अ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. गुड्स यहां प्रोड्यूस हुए, वहां पे चाहिए, हर जगह चाहिए. आप सब चिप्स खाते हैं, आटा खाते हैं, आटा कंज्यूम करते हैं, चिप्स, चॉकलेट्स, ब्रेड्स, ये सारी चीजें खाते हैं. क्या ये आपके घर के आसपास कहीं बनी हुई है? नहीं, दे आर प्रोड्यूस्ड फार अवे, से इन गुड़गांव. चिप्स आर बीइंग मेड इन द गुड़गांव, पेप्सिको का आउटलेट गुड़गांव में है, महाराष्ट्र में है, वहां प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो एक जगह पे प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन कंजम्पशन उनकी हर जगह पे है. तो क्या करना है फिर? ये कौन सी हिंड्रेंस हो गई? प्लेस. गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस, कंज्यूम्ड एट अनदर प्लेस. सो दिस इज एन हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, दिस हैज टू बी रिमूव्ड. सो द एक्टिविटी और द सर्विस और द फैसिलिटी विच रिमूव्स दिस हिंड्रेंस इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स. कौन सी एक्टिविटी रिमूव करती है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस? ट्रांसपोर्टेशन. देन गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय मी बट दे आर रिक्वायर्ड बाय यू पीपल. मैं प्रोड्यूस कर रही हूं, मैं तो महाराष्ट्र में बैठी हूं, आप ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हैं, आपको गुड्स चाहिए, प्रोड्यूस मैं कर रही हूं. अगेन दिस आई कांट गो टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया सो दैट गुड माई गुड्स रीच यू, कैन आई? सो दिस इज एन हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय ट्रेड, इट इज रिमूव्ड बाय ट्रेड. ठीक है, कॉमर्स क्या है? सम टोटल ऑफ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, एड्स टू ट्रेड लाइक ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, वेयर हाउसिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. ठीक है, एडवर्टाइजिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, बैंकिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस. ठीक है, सो ऑल दीज हिंड्रेंसेस जो है वो जो एक्टिविटीज रिमूव करती हैं उनको कहा जाता है कॉमर्स. कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, सर्विसेज, फैसिलिटीज, कुछ भी कह लो, विच रिमूव हिंड्रेंसेस. Hindrances which come in the way of or the movement of goods from producer
टू कंज्यूमर. सो दैट्स व्हाई वी से व्हाट इज कॉमर्स, सम टोटल ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. व्हाट इज अ ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज ऑफ इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड. टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? विच टेक्स प्लेस विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. एंड व्हाट इज एक्सटर्नल ट्रेड? विच टेक्स प्लेस बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. ठीक है. इंटरनल ट्रेड इज फर्दर ऑफ टू टाइप, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड. ये टर्म टू में एक चैप्टर है, बहुत डिटेल में तब करेंगे. अभी आपको पता है ना होलसेल और रिटेल, रिवीजन में अब मैं नहीं बताऊंगी. ठीक है. एक्सटर्नल इज ऑफ थ्री टाइप्स, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रीपोर्ट. इम्पोर्ट, बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. एक्सपोर्ट, सेलिंग ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री. व्हाट इज एंट्री पोर्ट? बाइंग फ्रॉम अब्रॉड and selling to, buying from one country and selling to another country. Clear? This is entry port, ENTREPORT, entry port trade. Clear hai bachche? Mask pehen lo aap teenon. Okay, so ye ho gaya hamara trade ke bare mein, aur auxiliaries to trade maine aapko bata diya. Transportation, warehousing, banking, insurance, advertising, communication, theek hai? These are the major aids to trade. Now, shall we start with the questions? MCQs or one word questions, jitne possible honge, main karwa deti hu aapko. Mr. X wanted to start business of supplying ready-made garments, but he was wondering about how much profit or return on investment he would be able to earn. This situation reflects which characteristic of business? A, economic activity, B, profit, C, uncertainty, D, element of risk. Uncertainty of risk. बाकी किसी ने सुना नहीं? आदित्य ने 5-7 बच्चों को तो वैसे ही बिजी कर दिया कि सुने ना. ऑल राइट, देर वॉज नो नीड टू डू वॉट यू बीन डूइंग. ठीक है. ही इज वंडरिंग, ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड ही इज वंडरिंग कि उसको कितनी रिटर्न मिलेगी. तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का? अनसर्टेनिटी. Next, an American firm purchased handmade pieces from India, repackaged them, sold them in its own name to Germany. The above transaction represents entry port for XX enterprise. ठीक है, X enterprise, export for India, import for Germany. आप खुद सोचो, ऑप्शन खुद बनाओ. पहला ऑप्शन मैंने बता दिया, इंडिया के लिए ये क्या है, जर्मनी के लिए क्या है, और ये एक्स फॉर्म के लिए क्या है. एक्स फॉर्म के लिए एंट्री पोर्ट है. क्यों? एक्स फॉर्म क्या कर रही है? इंडिया से खरीद रही है, जर्मनी में बेच रही है. तो इंडिया के लिए क्या हुआ? एक्सपोर्ट. और जर्मनी के लिए क्या हुआ? इंपोर्ट. ठीक है. ट्राई टू फॉर्म योर ओन आंसर्स. एमसीक्यू के ऑप्शंस पढ़ने से पहले ना आप माइंड में अपना आंसर खुद फ्रेम करो. ठीक है. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, प्राइमरी, असेंबलिंग, टर्शरी? पैकेजिंग. मैंने गुड्स खरीदे और मैंने पैकिंग करने के लिए आपको दे दिए, या आपकी फर्म को दे दिए, आपने पैकिंग करके मुझे वापस दे दिए, मैंने बेच दिए. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्रोवाइडिंग अ service. Tertiary. Sudden rise in the cost of operation is a cause related to which type of business risk? Ekdam se cost of operation bad gayi. Human, technological, natural, economic. Economic hai, isn't it technological? Hanji, cost of operation badi hai. I guess it should be technological. ठीक है. Next, which of the following is an economic activity? Not an economic activity. Production of goods, trading in goods,
सोशल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, सोशल सर्विस, राइट. आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इंश्योरेंस, माइनिंग, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग. ऑल राइट, माइनिंग. देन बेटे ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे. मैच दी कॉलम्स हैं, ठीक है, दो कॉलम्स हैं, कॉलम वन एंड कॉलम टू, आपको मैचिंग करनी है. नीचे चार ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. हियर आई एम राइटिंग डाउन वन क्वेश्चन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस रिस्क, बिजनेस डोर टू डोर सर्विस. All right, before I forget, I have to tell you one thing. अगर B option correct है और उसका answer है say tertiary industry. Yes, Suyash? अगर कोई भी MCQ उसका B option correct है और option है tertiary industry, तो अगर आपने smart game खेली और यहां पर B लिख दिया, यहां पर सी का ऑप्शन लिख दिया, तो आप ये मत बोलना मेरे को कि मैम देखो ये बी ऑप्शन ही मैंने लिखना था, यहां पे गलती से ये लिखा गया. यहां आपने यहां पर सी लिख दी और यहां पे टर्शरी लिख दिया, फिर बोलो कि मैम ये देखो मैंने ठीक ऑप्शन लिखा है. फॉर 40 एमसीक्यूज यू हैव गॉट 1.5 आवर. सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स विल नॉट बी एंटरटेन. इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होगा दैट विल बी क्रॉस्ड, ठीक है. और अगर ये भी लिखा सिर्फ ये तो भी क्रॉस है. मत क्या है कहिएगा कि हमने बी ऑप्शन ही करेक्ट है और बी लिखा है, बी के साथ उसका करेक्ट ऑप्शन भी लिखना है, ठीक है. ऑल राइट, आंसर शीट ही होगी. प्रॉफिट, रोड ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन, अनसर्टेनिटी. तो आप अपने क्वेश्चन पेपर पे जिस तरह से छोटे होते मैच करते थे वैसे मैच कर लीजिए. इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस रिस्क, बिजनेस डोर टू डोर सर्विस. इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस रिस्क, बिजनेस डोर टू डोर सर्विस, ठीक है. तो अगर ये ए बी सी डी है और ये 1, 2, 3, 4 है, आप ऑप्शंस नहीं देखेंगे. ऑप्शंस आपको दिए होंगे ए बी सी डी, ठीक है. आप सिर्फ अपना करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करो. क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है? ए 3, B 4, C 1 and D is 2. इन चारों में रैंडमली आपको चार गिवन होंगे जिसमें से एक करेक्ट होगा. हो सकता ही है A 1, B 2, C 3, D 4, ठीक है. कोई भी रैंडम ऑर्डर में होगा, आपने ये वाला करेक्ट ढूंढना है, उसको टिक करना है. मैच दी कॉलम्स, दो को क्वेश्चंस ऐसे जरूर आएंगे. सीक्वेंसिंग के भी क्वेश्चंस मैंने इकोनॉमिक्स में एग्जांपल दे दी थी, वो भी आ सकते हैं. ऑल राइट, आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम, आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द ट्रेड इन विच गुड्स आर फर्स्ट इंपोर्टेड एंड देन एक्सपोर्टेड. खुद बता दो. एंट्री पोर्ट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री. बेटे इधर सुन रहे हैं सब? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज जेनेटिक इंडस्ट्री? माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, पोल्ट्री फार्मिंग. माइनिंग. माइनिंग कौन सी है? एक्सट्रैक्टिव है. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटीज? अर्थक्वेक, ड्राउट, चेंज इन प्राइसेस, स्नोफॉल. चेंज इन प्राइसेस.
इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड ए बिजनेस प्लस प्रोफेशन, बी बिजनेस प्लस एम्प्लॉयमेंट, सी प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, डी बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, डी ऑप्शन. ऑक्यूपेशन इन विच देयर इज नो नीड ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट. कॉमर्स इंक्लूड्स ए बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस एंड ट्रेड, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, नन ऑफ द अबव. ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स ऑन रेगुलर बेसिस, सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट अर्निंग. सर्टेनिटी, क्योंकि कौन सा फीचर है इसका, अनसर्टेनिटी. ओके, चेन्नई रिफाइनरी लिमिटेड इंपोर्ट क्रूड ऑयल एंड सेपरेट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा, नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. एनालिटिकल इंडस्ट्री. विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, स्ट्राइक, थेफ्ट, अर्थक्वेक, टैक्सेशन. ठीक है, फिर दूसरी मैचिंग है बेटे, चार सर्विसेज दी हैं आपको, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, और दूसरी तरफ हिंड्रेंसेस दी हैं. ठीक है, तो पहली मैं दोबारा बोल रही हूँ, पहली हमारी जो सर्विस है वेयरहाउसिंग है, कौन सी हिंड्रेंस रिमूव करती है, ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम. ट्रांसपोर्टेशन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. इंश्योरेंस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. एडवर्टीजमेंट, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. राइट, ठीक बच्चे. सो लेट्स डू सम ऑफ दी. ओके, विच टाइप ऑफ रिस्क मीन्स चांस ऑफ रिस्क विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेन. प्योर रिस्क एंड विद पॉसिबिलिटी ऑफ गेन, स्पेक्यूलेटिव. स्पेक्यूलेटिव ये है ना कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन प्योर क्या है, लॉस और नो लॉस विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट. दिवेश इज प्लानिंग टू सेट अप फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गार्मेंट्स. एनी टू रिस्क विच ही माइट फेस, अपने आप बताओ इसका एमसीक्यू बन सकता है. रेडीमेड गार्मेंट फॉर्म आपने सेटअप करनी है, कौन से दो रिस्क आप फेस कर सकते हो, रिस्क, बिजनेस रिस्क. अरे सेटअप करने से पहले आग का उसको कैसे आ जाएगा, नेचुरल कॉज नहीं ना, बताओ बिजनेस रिस्क बताओ. चेंज इन प्राइसेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन ट्रेंड्स. All right. One case study I am reading out. Ankit has two buffaloes, one cow and one calf. He takes care of them and sell the milk extracted from them to people. Also, the milk which is left unsold is used by him for producing milk products like ghee, curd, sometimes kulfi too. He is very popular for his honesty and pure quality of products. He gives entire credit of his success to his love for the animals that he has. What kind of business activity is he engaged in? What kind of business activity? बेटे सबसे पहले broader category वो पूछ रहा है, देखो. तो बिजनेस एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, हाउ डू वी क्लासिफाई बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. क्या वो कॉमर्स में इंगेज है, उसके पास अपनी बफेलोज है जिसमें से वो मिल्क प्रोड्यूस करके फिर बेच रहा है उसको, तो कौन सी एक्टिविटी हुई है, इंडस्ट्री. ब्रॉड कैटेगरी बताओ ना, विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज ही इंगेज इन. चार ऑप्शन है, इंडस्ट्री, कॉमर्स, प्राइमरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री,
तो आपने क्या बताना है? इंडस्ट्री, क्योंकि ब्रॉड बिजनेस एक्टिविटी पूछा है. विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री नहीं उसने पूछा. सेकेंड एमसीक्यू में वो पूछ सकता है, क्योंकि एक केस स्टडी के बेसिस पर दो तीन चार क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज इंगेज्ड इन? प्राइमरी. व्हाट टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री? एक्सट्रैक्टिव. एक्सट्रैक्टिव या जेनेटिक? जेनेटिक. एनिमल्स है ना, उनकी ब्रीडिंग हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, तो ये कौन सी हुई? जेनेटिक. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, आफ्टर डूइंग बीएससी मोहन हैज स्टार्टेड डिसाइडेड टू स्टार्ट पोल्ट्री फॉर्म ड्यू टू गुड बिहेवियर. जस्ट वेट. एंड हार्ड वर्क, हिज बिजनेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ही हैज स्टार्टेड सेंडिंग एग्स टू अनदर कंट्री आल्सो. विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री मोहन हैज स्टार्टेड? Type of industry. बोलो. Primary. Primary में genetic. Poultry farming है ना. अब ये नहीं पूछा which type of business activity. क्या पूछा है? Which type of industry. तो industry को further classify करना है. Primary. Primary की कौन सी? Genetic. Write down the name of any other two business activities which are covered in part A. Dairy farming कर रहा है वो, ठीक है. मतलब sorry, question है हमारा, name any other two types of industries which are covered in A. A question मतलब था हमने primary की बात की, कौन सी इंडस्ट्री में वो इंगेज है? प्राइमरी में. प्राइमरी में और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? वो किस में इंगेज है? पोल्ट्री फार्मिंग में. और कौन कौन सी आ सकती है? फिश, पिसिकल्चर और नर्सरी. आप नर्सरी से प्लांट्स लेने जाते हैं, वो कौन सी इंडस्ट्री है? जेनेटिक. ठीक है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं ना प्लांट्स, ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स की, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो कौन सी है? जेनेटिक. ठीक है, तो कोई भी दो तीन एग्जांपल्स आप दे दो. डेयरी फार्मिंग. देन व्हाट टाइप ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड इज डिस्कस्ड हियर? ही सेंडिंग हिज एग्स टू फॉरेन कंट्री. तो कौन सा ट्रेड है? इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, एंट्री पोर्ट है? इट इज एक्सपोर्ट. ठीक है, सो सच काइंड ऑफ एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड. और assertion reasoning वाले मैम ने उस दिन प्रैक्टिस कराई थी आपको, the day I was absent. ठीक है, so और भी कर लेंगे कल प्रैक्टिस. अब ये फर्स्ट चैप्टर हो गया. I will try to cover the second chapter. आपको पता है काफी लेंथी है ना, तो दो दिन हमें लगेंगे सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करते हुए. सैटरडे को है ना आपका एग्जाम टेस्ट, सो लेट्स सी हाउ मच वी आर एबल टू कवर. दैट्स ऑल फॉर टुडे.